तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग एकदम मज़े में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, लेकिन ये बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि 2021-22 में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था, 2021-22 क्यों बोल रहा हूँ, हुआ था एक ही बार, 2021 में जो इसका फॉर्म है वो फिल किया गया था और 21 के लास्ट में इसका एग्ज़ाम भी हुआ था, जो कि पेपर लीक होने की वजह से टल गया था और उसका एग्ज़ाम फिर दोबारा जो है 2022 में हुआ था। तो इसलिए मैं इसको 2021-22 कह रहा हूँ। उसके बाद से आपका कोई भी टेट का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। अब सोच सकते हैं कितने वर्ष का गैप रहा है। तो इन्हीं सब बातों को जिक्र करने के लिए और इन्हीं से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल जिन लोगों ने 2021-22 का जो टेट का एग्ज़ाम है वो दिया था, उनका अंकपत्र अभी तक नहीं मिला था। तो लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि अंकपत्र जल्द ही आपका वितरित होगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आ चुका है और आप अपने अपने डायट में जा करके अपने अपने अंकपत्र ले सकते हैं। तो ये न्यूज़ आप सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। UPTET प्राइमरी के अंकपत्र भेजे गए डायट, मतलब आपके जिला के डायट में आपके अंकपत्र भेजे जा चुके हैं और जल्द ही इसका वितरण होगा। तो पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि BEd बनाम DLED विवाद के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2021 के प्राइमरी के अंकपत्र वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2021 में जो हुआ था उसका अंकपत्र अब वितरित हो रहा है। क्यों क्यों अब वितरित हो रहा है ये देख लेते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट द्वारा रोक हटाने के बाद बीएड बनाम डीएलएड का जो मुद्दा चल रहा था उसमें रोक लग गया था। रोक हटाने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अंकपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डैट को भेज दिए गए हैं, जिसमें प्राइमरी TET में कुल 4,43,558 अभ्यर्थी सफल हुए थे। कुछ जिलों में अंकपत्र अभी नहीं पहुंचा है और जल्द ही अब अभ्यर्थियों को अंकपत्र दे दिए जाएंगे। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी, ध्यान दीजिए 23 जनवरी 2022 को, लेकिन उसके पहले भी ये 2021 के अक्टूबर नवंबर के लास्ट में जो है एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वो रद्द हो गया था क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और इसका जो रिजल्ट है 2022 अप्रैल को घोषित हुआ था। डीएलएड प्रशिक्षितों की याचिका पर हाईकोर्ट ने प्राइमरी का अंकपत्र वितरण रोक दिया था और अब जो रोक है वो हटा दिया गया है। तो अगला न्यूज़ ये भी है, आप देख सकते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, इसमें भी यही बताया गया है कि आपका जो अंकपत्र है वो वितरित हो रहा है, आप अपने अंकपत्र जा करके ले सकते हैं। और कहाँ जाना है आपको, आपके डायट में। और कैसे वितरित होगा, डायट में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नोटिस वहाँ पे लगा रहेगा कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक के अभ्यर्थी इस दिन आकर के अपना अंकपत्र लें, और क्या क्या लेकर जाना है आपको, ये सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिए रहेंगे। तो आप अपने डाइट का चक्कर लगाइए एक दो चक्कर, और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और अपने अंकपत्र जो हैं आप ज़रूर ले लीजिए, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा और फिर लेने के लिए आपको बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा, ठीक है। अब रही बात दूसरा कि जब टेट का आपका अंकपत्र 2021-22 का वितरित हो रहा है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी संभावना बन रही है कि आपका टेट 2024 आने की पूरी संभावना बन रही है दोस्त। या तो 24 के लास्ट में होगा या फिर आपके 25 में, लेकिन हाँ ये है कि अब जब अंकपत्र वितरित हो रहा है तो एग्ज़ाम भी टेट का जरूर से ज़रूर होगा। और अगर टेट का एग्ज़ाम हुआ तो देर दुरुस्त आपका सुपर टेट भी आना ही आना है। तो अब आप लोग टेट की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जो है PNP और शिक्षा आयोग नींद से जाग चुका है और जल्द ही आपका अंकपत्र वितरित होने के बाद अगले टेट की आने की व्यवस्था होने लगेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, जय हिंद।